Hey guys, what's up? Welcome back to today's vlog. Today is 21st of May 2020 और अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मेरे घर से बाहर से, क्योंकि अभी सुबह मुझे निशिल का कॉल आया था। वो कह रहा था कि उसकी हार्ड डिस्क जो थी वो लॉकडाउन से पहले मेरे पास थी, तो उसे अभी चाहिए थी, तो मैं उसे देने आया था। तो हम दोनों 2 महीने के बाद मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा रहे हम 2 साल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। व्हाट्सएप में बातचीत होती थी लेकिन उससे मज़ा नहीं आता था। तो आज हम थोड़े से गप्पे मारेंगे और वापस घर जाएंगे। आज पहली बार वापस से मैं घर के बाहर निकल के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है कुछ। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। कुछ दिन से आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है पापा गए हैं ऑफिस और भाई बिजी है, तो मैं जा रहा हूँ। और अभी के लिए लास्ट सेम की एग्ज़ाम चल रही है, उसकी वाइवा है और कुछ क्वीज़ वगैरह रखते हैं, तो वो उसमें बिज़ी रहता है, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी जल्दी से लेकर आते हैं दवाई। तो अभी मुझे मेरे नानी का फ़ोन आया था। आई, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है कि ये हमारे घर का दरवाज़ा पूरा मेटल का है, बहुत गर्म हो चुका है, खुल भी नहीं रहा। तो वो हमारे घर पर आ रहे हैं 2 दिन रहने के लिए, तो उसने बोला है कुछ चीज़ें उसे चाहिए, कुछ उसे पता नहीं स्पेशल रेसिपी बनानी है। तो मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ अभी दोपहर को इतनी धूप में, क्योंकि 4 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी 3:30 तो बज चुके हैं, तो आधा घंटा है सब कुछ लेकर वापस आना है, जल्दी करना होगा क्योंकि इस धूप में बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। आपने देखा था कि मैंने मेरी व्हीकल की डिक्की में ब्रेड और उसके साथ मेरा कैमरा भी रख दिया था। असल में हुआ था ये कि ये कैमरा जो है वो मैं लेकर गया था ब्रेड लेने के लिए, तब शॉपकीपर और 2-4 और विजिटर्स थे वहाँ पर, कुछ खरीदने आए थे, तो वो लोग इस कैमरे को देख रहे थे वगैरह वगैरह कर रहे थे। तो मैंने सोचा अब इसे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस है, तो मैंने मेरे हैंकी को लेकर इसे डाल दिया पूरा डिक्की में। और अब मैं इसे करने वाला हूँ पूरा सैनिटाइज, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि उन लोगों ने थोड़ा सा भी प्रिकॉशंस लिया था, क्योंकि उन लोगों ने हैंड ग्लव्स यूज़ नहीं किए थे या फिर उन लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं था, तो मैं उसके ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अभी मैं इसे पूरा सैनिटाइज करने वाला हूँ। एज यूजुअल ये है मेरा वो कल बताया था वही वाला अल्कोहल, 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर। वैसे तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसे मैंने डाल दिया है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, और हो जाए तो मेरी लग गई। तो आखिरकार मेरा कैमरा वर्क तो कर रहा है सैनिटाइज करने के बाद भी। मैंने थोड़ी देर फुटेज इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको शॉपकीपर और उस लोगों के छुए हुए कैमरे से मैं व्लॉगिंग करूँ। तो अभी हम वापस जा रहे हैं घर से बाहर। पिछले 55 दिन से मैं घर से नहीं निकला था और आज निकल रहा हूँ, तो दिन में 3 बार निकल रहा हूँ। तो अभी मुझे वापस से सब्ज़ी मंडी जाना है, क्योंकि दोपहर को इतनी धूप में कोई सब्ज़ी वाला नहीं था, तो मुझे भुट्टा नहीं मिला, भुट्टा कॉर्न। तो अभी मैं वापस से वो लेने जा रहा हूँ। और चीज़ की 2 क्यूब चाहिए, क्योंकि आज मेरी नानी और मेरी कज़िन आई हुई है, तो वो बनाने वाले हैं चीज़ बोल, तो वो सब कुछ लेना है। उसके बाद मैं साइकिल लेके इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आगे ही पंचर वाला है, अगर वो खुला होगा तो हम पंचर करवाएंगे, उसके बाद वापस से कर जाना होगा। और ये देखिए मेरी पूरी साइकिल धूल धूल है, इतने दिनों से मैंने साफ भी नहीं की थी, एक बार इसे कपड़ा भी नहीं लगाया था, इतना आलसी हूँ इतना। करवाने गए थे पंचर और लेने गए थे चीज, लेकर के आ रहे हैं 1 किलो आलू। वाह, मतलब जो करना था वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन जो नहीं करना था वो हो गया। मम्मी का कॉल आया 1 किलो आलू लेते आना, आलू लेकर आया, लेकिन अभी चीज़ ही नहीं मिला, तो चीज़ बोल क्या बिना चीज़ के बनाएंगे हम। वाह, देखते हैं अभी। और मैंने दिमाग ही नहीं लगाया यार, मैं अगर पहले व्हीकल लेकर ये सब्ज़ी मंडी से सब कुछ ले जाता, उसके बाद अगर चेक करके आ जाता कि पंचर वाला खुला है या नहीं, उसके बाद जाता तो अच्छा होता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इतना दिमाग ही नहीं चला यार। तो एक नॉर्मल बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करके
कुछ आलू को चुनता है और उसके बाद उसे थैले में भरता है और घर पर लेकर आता है। तब उसके मन में ना एक ही डर रहता है कि मम्मी ये ना बोले कि तू ये कैसे सड़े हुए आलू लेकर आया। हर बार ऐसा होता है कि मैं कुछ लेकर आता हूँ और हो कुछ जाता है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छा होता है लेकिन आखिर में होता है कुछ गड़बड़ी है। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ, आलू मैंने लिए तो है लेकिन कुछ गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। अगर आलू हरे निकले तो भी मम्मी डांटेगी और अंदर से बिगड़ गए हो या फिर सड़ गए हो तो भी मम्मी डांटेगी। ये देखिए, ये मुझे मिल रहा है मेरे कर्मों का फल। मैंने मेरी साइकिल को कभी साफ नहीं किया, इसीलिए आज मैं जब लेकर जा रहा था तो मेरे हाथ में थोड़ा सा पसीना हो गया था, तो उसी की वजह से साली धूल मिट्टी मेरे हाथ में आ गई। ये हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ें दी जा रही है, ये है 3 मास्क जो हमें दिए गए हैं, शायद गवर्नमेंट के हैं, पता नहीं किसके हैं, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में कुछ लोग देकर गए हैं। उसके साथ है एक होम्योपैथी की कुछ गोलियाँ और उसे खाने के लिए कुछ मैनुअल है कि इस तरह से खाना है, इस तरह से नहीं खाना है, जिसमें मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़रा सा भी। और अभी मेरे टाइम पास के लिए आई है रीना दीदी की कैट। अभी इसने कुछ बोला, हमेशा शैतान बच्चा। नो, कम बैक। अच्छा वो स्ट्रेचिंग कर रही है, वो सूर्य नमस्कार कर रही है। अरे सूरज डूब गया, अब नहीं करना है सूर्य नमस्कार, मोदी जी ने कहा है सूरज डूबने से पहले करना है, अब नहीं करना है। ये हमारा एक स्पाई कैमरा जो कि हमारी खिड़की के पास बैठकर देखता रहता है सब कुछ, कौन आया कौन गया। किटी बाद में मुझे बताना कौन कौन आया कौन कौन गया, ठीक है। ये हमारा एक सीसीटीवी की फुटेज है और इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, अनलिमिटेड वीडियोस आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको बताएगी पूरे दिन का डेटा। तो आप है अभी दैवत जो गया कि किचन शो में, जहाँ पर हम आपको आज सिखाने वाले हैं जो चीज़ बोल होते हैं उसके चीज़ को कैसे बनाते, नहीं काटते, क्योंकि बनाना हमको आता नहीं है तो हम सिर्फ काटेंगे और बॉल जो है वो मेरी बहना बना देगी। हमें इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट करना है, तो हमें सिर्फ इतना ही आता है, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी मेरे नानी और मम्मी खेल रहे थे लूडो, तो उसने मेरे फ़ोन पर कर लिया था कब्जा, जिसकी वजह से मैं आज वेब सीरीज़ भी नहीं देख पाया और COC भी नहीं खेल पाया। तो खेल में नानी हार चुके हैं। नानी आपको हार के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, हारने के बाद भी मेरे को बहुत खुशी हो रही है। हाँ, इसे कहते हैं असली स्पोर्ट्समैन, आपको ई स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। मम्मी आप जीत गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा, आज नींद अच्छी आएगी? क्यों, बहुत अच्छी आएगी, जीत गए आप। और मैं अभी इतना बड़ा कंबल लेके इधर उधर चल रहा हूँ क्योंकि एसी पीछे बहुत ज्यादा रखा है मेरे, नानी को बहुत ऐसी चाहिए इसीलिए। तो आज तो आखिरी दिन था, लेकिन कल से मुझे करनी मेरे रोज वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि मुझे कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही। तो एनीवेज गाइज, आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर कोई सवाल सजेशन हो तो कॉमेंट जरूर करना यार। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवत जोगिया साइनिंग ऑफ।